डीजीपी मामला तो नहीं कहूँगा, निशांत शर्मा के मामले में हाईकोर्ट ने एक स्वतः संज्ञान लिया था कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन पिटीशन पर, जिसमें हाईकोर्ट ने हमसे स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। आज दो शिमला एसपी और कांगड़ा एसपी ने उसमें स्टेटस रिपोर्ट फाइल की। उस पर जो भी इन्वेस्टिगेशन किया गया और निशांत शर्मा की जो कंप्लेंट थी उसको स्टेटस रिपोर्ट को माननीय न्यायालय के समक्ष रखा गया तथा माननीय उच्च न्यायालय ने सबसे पहले प्रश्न किया कि क्या आपने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। हमने न्यायालय को बताया कि जो फैक्ट्स कंप्लेंट में लिखे गए थे और जो उसके तथ्य हैं उनकी छानबीन कर हम स्टेटस रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष रख रहे हैं। तो मामले में न्यायालय का मत था कि आरती वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब भी कोई व्यक्ति कंप्लेंट करता है तो उसकी कंप्लेंट तुरंत एफआईआर में दर्ज होकर उसकी जांच होनी चाहिए और उसके पश्चात आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। इसी मामले में हमने स्टेटस रिपोर्ट के डिफरेंट पैराग्राफ्स न्यायालय को पढ़कर सुनाए तथा अंततः न्यायालय और हमारा ये मानना था कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करके आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। न्यायालय ने इस मामले में एक एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट अपॉइंट किए हैं जो कोर्ट कंप्लेनेंट की पैरवी करेंगे। न्यायालय की तरफ से मित्र, न्यायालय के मित्र अपॉइंट किए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी। तब तक हमने न्यायालय को ये अश्योर किया है कि इस मामले में कांगड़ा में, क्योंकि सारा इंसिडेंट कांगड़ा में हुआ है, उसकी कंप्लेंट कांगड़ा में आई, वो पहले एसपी कांगड़ा के पास तुरंत पहुंचा और इसलिए इस मामले में कांगड़ा में एफआईआर दर्ज करके बुधवार तक न्यायालय में अगली स्टेटस रिपोर्ट फाइल की जाए।